टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वर्क फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी पे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इंटरव्यू पर्पस से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये एक वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर दो प्लेट्स लगाई गई हैं। ठीक है, दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक साइन चेंजर लगाया गया है। साइन चेंजर्स का काम क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को उसके बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ऐसे कनेक्ट किया, फिर इसी तरीके से इसको ऐसे लेके आए हम। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद ये हमारी की है। ठीक है, ये एमीटर, और यहाँ हमने लगाई है बैटरी। तो ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल होगा इसका अटैच, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका दूसरे जो है टर्मिनल से अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा। यहाँ जो ये प्लेट है, ये जो प्लेट है इस पे हम फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, और इस प्लेट को हम कहते हैं मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। ठीक है, और जब हम एच न्यू फ्रीक्वेंसी कुछ जब फोटॉन्स इंसिडेंट करवाएंगे तो ये जो मेटल प्लेट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ कलेक्ट करना है तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। ठीक है, अब और दिस इज साइन चेंजर। ओके, साइन चेंजर का काम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करेंगे। ठीक है, वेव नेचर से हम इस इफेक्ट को नहीं समझा सकते, इसलिए हम लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो जब किसी न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, तो अगर न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट है तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू होगी। तो ये जो एच न्यू एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला तो है जो मटेरियल है, जो मेटल प्लेट है उसका वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा है कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दो पार्ट्स में जो है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डिवाइड होती है। तो जब भी कोई लाइट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी कोई लाइट जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, वो लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होने स्टार्ट होते हैं, इजेक्ट होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मेटल सरफेस से। इसकी वजह से ये जो सर्किट है
इसमें जो करंट है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट होता है इस सर्किट में, जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट। और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, इस ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो जिस फ्रिक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं कि जो लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की होनी चाहिए तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। लेट अस सपोज कि वो जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है? जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, विच इज वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ ये जो वर्क फंक्शन है ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है दैट इज वर्क फंक्शन, यानी कि इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो रही है, टोटली यूज हो रही है। कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन के रूप में यानी कि इलेक्ट्रॉन को बस इजेक्ट करने के लिए, और कुछ एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब ये जो वर्क फंक्शन है ये मेटल पे डिपेंड करेगा, जो मटेरियल है हमारा जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उस मेटल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन फाई जो है वो एच न्यू नॉट के इक्वल आएगा, और न्यू नॉट यहाँ पे हमारी क्या है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की होनी ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो हमने क्या देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है इसका मतलब फोटॉन्स लार्ज है, ठीक है। और अगर फोटॉन्स लार्ज हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी लार्ज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी लार्ज होंगे, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स लार्ज होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो भी लार्ज फ्लो होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंसिडेंट फोटोन है, ठीक है, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन और फोटोन के इंसिडेंस के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, ठीक है। जैसे ही फोटोन स्ट्राइक होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हम एक्सप्लेन करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर से, ठीक है। क्योंकि जैसे पार्टिकल में होता है ना कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तुरंत दूसरा पार्टिकल वहाँ से इजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लाइट के पार्टिकल नेचर को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एंड देर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको हम क्लासिकली वेव नेचर के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो था स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, ठीक है।
अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो ये था, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो हम यहाँ अप्लाई करें, और हमने यहाँ क्या कर दिया, इनका साइन चेंज कर दिया। ये साइन चेंजर का अब हम यूज़ करने वाले हैं कि ये जो नेगेटिव प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब कि जो मेटल प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और जो कलेक्टर प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो जैसे ही ये जो कलेक्टर प्लेट नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, तो कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो वो पोटेंशियल जो मैक्सिमम, जिसकी जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको भी कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंचने दे, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचना। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल रिवर्स कर दिया, ठीक है, और जो कलेक्टर प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर रही है, तो जो मैक्सिमम जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो भी अगर कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंचे, तो जो हमारा पोटेंशियल हमने अप्लाई किया होगा उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन टू रीच कलेक्टर प्लेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेट अस सपोज इट इज वी नॉट, तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। किस तरीके से डिपेंड करेगा, ए ये लाइट की फ्रीक्वेंसी प्लस बी, और यहाँ ये जो बी है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड ऑन मटेरियल। नाउ लेट अस सपोज के जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी। तो ये जो एच न्यू है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक तो उसके वर्क फंक्शन में और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और वर्क फंक्शन हमने फाइंड आउट किया था कि जो वर्क फंक्शन है वो एच न्यू नॉट है, ठीक है। अब यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हुई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी नॉट है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन क्या दी, कि ऐसा पोटेंशियल हम अप्लाई करें जिससे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंचे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, ई वी नॉट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वी नॉट हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी होता है, ठीक है। तो ये ई वी नॉट के चार्ज कितना है, ई, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या आई, वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है। और एच न्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है, तो ये हुआ एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला था कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसमें ये जो बी है ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमने यहाँ से निकाला कि ये जो बी है ये
वर्क फंक्शन अपॉन ई है, यानी कि ये वर्क फंक्शन है, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गई। और ए न्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ए आया हमारा एच अपॉन ई। ए क्या है, स्लोप हो गई। स्लोप कैसे हुई, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होती है इट इज़ एम एक्स अपॉन सी, वेयर एम तो स्लोप है, एम इज स्लोप एंड सी इज इंटरसेप्ट। ठीक है, तो स्लोप है हमारी एच अपॉन ई और जो इंटरसेप्ट है वो है माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो बी हो गया माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अगर हम इसे अब ग्राफ बनाना चाहें तो हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा। लेट अस सपोज ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये हमारी लाइट की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, नीचे तक आ रहा है ये, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज न्यू। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई एंड यहाँ ये जो स्लोप होगी इस स्ट्रेट लाइन की वो होगी एच अपॉन ई। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो स्लोप है ये अलग अलग मटेरियल के हिसाब से चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है वो चेंज हो जाएगा मटेरियल के अकॉर्डिंग क्योंकि ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये ग्राफ हमें पता चला कि किस तरीके का होगा, यानी कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई के इक्वल। ठीक है, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो है अकर होता है, यानी कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ होता है। क्यों, क्योंकि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही फोटोन की पूरी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोटोन है उसकी पूरी एनर्जी कुछ वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो रही है, कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन फोटोन की पूरी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ठीक है, यानी कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है। ठीक है, तो आउटर शेल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पूरी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकता, वो कुछ एनर्जी लेता है और कुछ एनर्जी का फोटोन जो है वो वापस बाहर निकल जाता है। तो उस तरीके का वो जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्टन इफेक्ट है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।